तीर्थ विकास क्रम जारी है। अब शाश्वत तीर्थ अयोध्या की बारी है। भारत गौरव गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माताजी की पावन प्रेरणा से जैन सभ्यता की प्राचीन धरोहर उत्तर प्रदेश की धन्य बंधुओं, आदिनाथ भगवान अयोध्या पुरी में जन्मे हैं और हम सब लोग रोजाना ही प्रतिदिन ही भगवान आदिनाथ का स्मरण कर लेते हैं मध्याह्न काल के 3:30 बजे और उसके साथ ही अयोध्या को भी याद करते हैं। आदिनाथ अयोध्या में जन्मे हम जैनों की हैं शान और मंदिर आलीशान बनेंगे यहाँ। इसी गुणगान के साथ हम सब लोग ने अभी अयोध्या की चित्रावलियों को देखा, अयोध्या की भावनाओं को देखा, अयोध्या के नए स्वरूप को अपने मन में सोचा चिंतन किया। शाश्वत तीर्थ है अयोध्या, शाश्वत तीर्थ सम्मी शिखर जी। शिखर जी को लेकर तो हमारी समाज में बहुत जागरूकता है, बहुत ही मन में आतुरता होती है। सम्मी शिखर जी चलना है, सम्मी शिखर जी जाना है, सम्मी शिखर की वंदना करना है। लेकिन आप ध्यान रखें कि जितना महत्व समेत शिखर जी तीर्थ का है उतना के उतना पूरा अंश अंश बराबर का मिला करके अयोध्या तीर्थ की वंदना का भी ऐसा ही महत्व है। क्योंकि दो ही शाश्वत तीर्थ हैं, जहां तीर्थंकर भगवंतों का शाश्वत यानी कि हमेशा जन्म होता है वो है तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या, शाश्वत तीर्थ भूमि, और जहां से हमेशा तीर्थंकर भगवंतों का निर्वाण होता है वो है शाश्वत तीर्थ भूमि सम्मी शिखर जी, निर्वाण भूमि सम्मी शिखर जी। तो बंधुओं, शिखर जी के बारे में हम सब लोगों को जानकारी रहती है, वंदना करने जाते हैं, जागरूकता रहती है, उत्साह रहता है, वर्ष में एक बार भी कई लोग जाते हैं। अब हम लोगों को अपने अयोध्या तीर्थ के प्रति भी जागरूक होने की आवश्यकता है और अयोध्या तीर्थ के विकास को लेकर भी जागरूक होने की आवश्यकता है, अयोध्या की वंदना को लेकर भी जागरूक होने की आवश्यकता है। तो बंधुओं, आप सब लोगों को अयोध्या के प्रति हमारे पूज्य पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी लगातार जागरूक कर रहे हैं। पूज्य ज्ञानमती माता जी का हम सबको लगातार आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, प्रेरणाएं प्राप्त हो रही हैं और पूज्य आरिका श्री चंद्रामती माता जी हम सबको हमेशा की तरह अयोध्या के बारे में भी लगातार मार्गदर्शन दे रही हैं। तो बंधुओं, आप करना है हम सबको अयोध्या का भव्य विकास, ऐतिहासिक विकास, क्योंकि जहां विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्तर पर अयोध्या का नाम रोशन होने वाला है वहीं हम हमारे भगवान ऋषभदेव आदि 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या का नाम भी कहीं पीछे नहीं रहने देना चाहते हैं। जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि और यूं शाश्वत तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या का विकास हम सब लोगों को बहुत विशाल स्तर पर करना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करना है, उसकी खूबसूरती को बहुत ही सुंदर बगीचे में खिले हुए फूल के समान जगमगाना है। ऐसी अयोध्या नगरी के लिए आप सबके बीच में प्रतिदिन घोषणा की जाती है, पुनः आज फिर बताया जा रहा है, त्रिकाल चौबीसी जैन मंदिर का निर्माण हो रहा है और त्रिकाल चौबीसी जैन मंदिर में 72 प्रतिमाएं रत्न प्रतिमाएं विराजित की जा रही हैं। बंधु, विशाल जैन मंदिर होगा और विशाल जैन मंदिर में 72 रत्न प्रतिमाएं विराजमान होंगी और उसकी न्योछावर राशि 1,11,000 रुपए की राशि रखी गई है, जिसमें मंदिर निर्माण और प्रतिमा निर्माण दोनों का पुण्य आपको प्राप्त होने वाला है। तो बंधुओं, एक छोटी सी राशि जिसमें मंदिर निर्माण और प्रतिमा निर्माण का पुण्य हमें प्राप्त हो जाए तो फिर हमारे जीवन का क्या कहना, हमारे जीवन की क्या सार्थकता हो जाएगी, पूरी तरह से हम लोग अपने जीवन को पुण्य से सराबोर कर लेंगे। तो बंधुओं, ये पुण्य अवसर शाश्वत तीर्थ भूमि पर त्रिकाल चौबीसी जैन मंदिर में 1,11,000 रुपए की राशि में आप 1 रत्न प्रतिमा प्रदान करने के लिए, विराजमान करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। तो आज उसी क्रम में हम सबके बीच में कैलाशो देवी जैन, पीयूष कुमार जैन सराफ, वर्षा जैन और प्रहर्ष जैन बहराइच उत्तर प्रदेश से, ये प्रातःकाल भी पूज्य स्वामी जी ने नाम लिया था उसका हम यहाँ पर पुनः आपके सामने बता रहे हैं कि बहराइच परिवार के कैलाशो देवी, पीयूष कुमार, वर्षा जैन, प्रहर्ष जैन सराफ, इन्होंने 1 प्रतिमा लिखा अपनी परिवार की ओर से विराजमान करने की स्वीकृति दी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप सब भी अपना मन बनाएं और इस तीर्थ के विकास में
जिसे हमें सूर्य और चंद्रमा के समान इस गगन में चमकाना है, जगमगाना है, हमेशा के लिए शाश्वत बनाए रखना है, उसकी जीर्णोद्धार, उसका विकास करते रहना है, उसी क्रम में आप भी अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें। इन्हीं मंगल भावनों के साथ आज हम सबके बीच में गणनी ज्ञानमति गुणानुवाद दिव्यावदान समारोह, अभी हम लोग उसका आयोजन देखेंगे। आज का आयोजन श्रीमती सौभाग्यवती पूर्वी शाह बोरीवली से हम सबके बीच में लेके आ रही हैं, और इस कार्यक्रम के लिए आज 34वां दिवस है और 34वें चातुर्मास स्थल का दर्शन भी आपको अभी जमुती फसनापुर के रूप में यहाँ से दिखाया जाएगा। तो आप इस कार्यक्रम को देखें, और आज विशेष रूप से बच्चों की जिज्ञासाएं हमारे बीच में आएंगी और उनका समाधान करेंगी पूज्य माता जी। तो आप सब लोग इस कार्यक्रम को देख करके आनंद लें, और अब कार्यक्रम की आगे रूपरेखा के लिए आरिकाशी स्वर्णमती माता जी। संप्राप्य गौरवयुतं पदमारिकायाः धर्म प्रसार मकरो भुवि त्वं जिनस्य वैराग्य मूर्ति मनीषं श्रुत सन्निविष्टां त्वामानमाम्यमित ज्ञान मतिं सुभक्त्या। बंधुओं, गणनी ज्ञानमति दिव्यावदान समारोह का आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। आज दीप प्रज्वलन के लिए हमारे पास चार नाम हैं, और एक यहाँ पर दीप प्रज्वलन प्रतिदिन की भांति पूज्य माता जी की मंगल आयुष्य कामना के साथ किया जाता है। चिरंजी लाल जी कासलीवाल 100 सुमतीबाई पटना से दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। 100 पूर्वी शाह बोरीवली, अपेक्षा नलनी बेन और मंजू जैन जरवल रोड बहराइच, ये सभी महानुभाव आज गणनी ज्ञानमती मंगल आयुष्य कामना के साथ अपने अपने स्थानों पर 88 दीपों का प्रज्वलन कर रहे हैं। पूज्य गणनी श्री ज्ञानमती माता जी कनॉट प्लेस में विराजमान है, जैसा कि आपको विदित है। चक्रवर्ती सूरत के सुनीता पाटनी, राहुल जैन मुंबई, ये भी दीप प्रज्वलन करेंगे। इसमें नहीं है अमित, मीतू, हितांश जैन सूरत, इनको भी दीप प्रज्वलन आज करना है। चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी ज्ञानस्थली तीर्थ क्षेत्र पर आज दीप प्रज्वलन हो रहा है। श्रीमती मालती जैन वसंत कुंज, उनके द्वारा यहाँ पर पूज्य माता जी के सानिध्य में साक्षात रूप से दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का आज का शुभारंभ किया जा रहा है। जो नाम आपको बताए हैं उन सबको स्पॉटलाइट कर रही हैं बहन जी। चिरंजी लाल जी, पूर्वी शाह, अपेक्षा नलनी जैन, मंजू जैन जरवल रोड, सुनीता पाटनी, राहुल जैन मुंबई, अमित, मीतू, हितांश जैन सूरत, इन सब के द्वारा दीप प्रज्वलन यहाँ पर किया गया है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। ये दीप प्रज्वलन संपन्न हुआ। अब जैसा कि प्रतिदिन आपको पूज्य गणेश ज्ञानमती माता जी के चातुर्मास स्थलों के दर्शन कराए जा रहे हैं, आज 34वां चातुर्मास है सन 1986 का, जो कि जम्बूदीप हस्तिनापुर में संपन्न हुआ था। उसकी झलकियां कल भी आपने देखी थी, आज भी थोड़ी झलकियां आपको दिखाई जा रही हैं, क्योंकि जम्बूदीप हस्तिनापुर अपने आप में एक महान दर्शनीय स्थल हो गया है, जो जिन भगवान के जिनेन्द्र भगवान की भक्ति का एक अपूर्व स्थान तो है ही, परंतु साथ ही वहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य और वहाँ की जो रचनाएं हैं वो अपने आप में अप्रतिम हैं, अनपैरेलल्ड हैं। उन रचनाओं का जितना भी दर्शन किया जाए उतना ही कम है, जिनेंद्र भगवान की जितनी भी भक्ति वहाँ जाकर की जाए उतना कम है। इस वीडियो को आप देख रहे हैं, जम्बूदीप हस्तिनापुर का ये वीडियो है। इसको देखते देखते आइए अब हम सुनते हैं परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के मुखारविंद से। कल 1985 के चातुर्मास का स्थान था जम्बूदीप हस्तिनापुर, और आज 1986 का जम्बूदीप हस्तिनापुर में ही ये चातुर्मास संपन्न हुए थे। उसी के विषय में परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी आज आपको बताएंगी किस प्रकार से सन 1985 में जम्बूदीप की प्रतिष्ठापना महोत्सव संपन्न हुआ था, उसी के पश्चात
पूज्य माता जी के ये चातुर्मास हस्तिनापुर में ही संपन्न हुए, क्योंकि इस पूरी रचना का निर्माण उनके सानिध्य में होना था। इन मंदिरों को देख करके जिस अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होती है उसको हम शब्दों में नहीं कह सकते हैं। आप सभी लोग पधार सकते हैं, साक्षात आकर के जम्बूदीप हस्तिनापुर के दर्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। अब परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन हमको प्राप्त हो रहा है। जम्बूदीप हस्तिनापुर के विषय में वो स्वयं ही हमको अपने मुख से बताएंगी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान अर्हन् मंगलम रसभेसरः मंगलम सर्वतीर्थेशाः जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। दिनपतयस्तद प्रतिमास्तदालयास्त निषद्दिकास्थानानि ते ताश्च ते च तानि च भवन्तु भवघात हेतवो भव्यानाम। बताता हूँ, सन 1986 का चातुर्मास, इसी सन 1986 का चातुर्मास अपने आप में एक बहुत ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रहा है। कई दिनों से, उस समय लगभग एक महीने से चिंतन चल रहा था कल्पद्रुम विधान। कल्पद्रुम विधान का विषय क्या है? जब वर्णन आता है युग की आदि में चक्रवर्ती भरत ने अनेकों जिन मंदिर बनवाए हैं अयोध्या में और जिन भगवान की प्रतिमाएं विराजमान की हैं, अनंतर वहाँ पर उन्होंने कल्पद्रुम विधान, कल्पवृक्ष विधान का अनुष्ठान किया है और किमिच्छक दान बांटा है। खूब जो चाहो से ले जाओ, चक्रवर्ती ने भंडार खोल दिया था। उनके यहाँ क्या कमी थी? जो चाहो से ले जाओ, राज सिंहासन छोड़कर बाकी तो जो चाहे से ले जाओ, भंडार खुला हुआ था। ऐसे किमिच्छक दान देकर के कल्पद्रुम महायज्ञ विधान को करने वाले चक्रवर्ती भरत युग की आदि में जिन्होंने किया है, उसके आगे कहाँ हम जैसे छोटे से प्राणी और कहाँ कल्पद्रुम विधान की रचना। चिंतन चल रहा था, यद्यपि चिंतन चल रहा था, यद्यपि साहस अति साहस मैं चिंतन करने लग गई। फिर मानतुंग आचार्य ने भी साहस करके ही भक्तावर काव्य की रचना की और ताले ताले टूट गए। तो अति साहस तो है, बालक का अति साहस होता है, फिर भी तो चिंतन चलते चलते इसका विषय वस्तु क्या होना, इस पर चिंतन चल रहा था, विषय वस्तु क्या होना। क्योंकि जम्बूद्वीप में तो 78 जिन मंदिर हैं, देव भवन आदि हैं, 13 जीव रचना में 458 जिन मंदिर हैं इंद्र विधान में आदि, उनकी जो विषय वस्तु, लेकिन इसमें विषय वस्तु क्या होना। चिंतन करते करते आषाढ़ शुक्ला एकम के दिन सहसा चिंतन में आया प्रातःकाल मंगल वेला में कि संसार में एक काव्य याद आ गया नंदीश्वर भक्ति का, दिन पतयस्तद प्रतिमास तदालयास्त निषद्दिका स्थानानी। संसार में दिनपति तीर्थंकर भगवान, दिनपति यानी तीर्थंकर भगवान, वो दिनपति हैं, जिनेन्द्र हैं, और तद प्रतिमास उनकी प्रतिमाएं, उनके मंदिर तदालया, उनके मंदिर और उनके निषद्दिका स्थान यानी पंचीक नारायण भूमिया आदि तीर्थ क्षेत्र। ते क्रम बड़ा अच्छा लगा हमें, ते ताश ते चाचे भवन दो घात हे तो भव्याना। ते वो जिनेन्द्र भगवान और वो जिन प्रतिमाएँ और वो जिन मंदिर और वो जिन निषदिका स्थान, ये सब भवंतु भवघात हे तो भव्याना, भव्य जीवों के भव का घात करने वाले होवें। ये काव्य या स्मरण में हो आया और स्मरण होते ही इस पर चिंतन चला कि संसार में सर्वश्रेष्ठ तीर्थंकर ही हैं, सर्वश्रेष्ठ तीर्थंकर के सिवा और कोई नहीं है। तो इसमें तीर्थंकर भगवंतों को और उनका जो समोसरण दिव्य होता है, दिव्य उनकी जो सभा, उसको ही प्रमुख करके ये कल्पद्रुम विधान बनाया जाए। तो
तो मैंने उस पर चिंतन करके और तीर्थंकर भगवान 24 तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव से लेकर महावीर तक 24 तीर्थंकर भगवान और उनका समोसरण का वैभव उसको प्रमुख करके अब इस समोसरण में होने वाले गणधर देव और 7 प्रकार के महामुनि आरिकाएँ और वहाँ उसके उनके तीर्थ काल में होने वाले अंतर्गत केवली आदि अनंतर उपाध में जन्म लेने वाले आदि और तीर्थ प्रवर्तन काल आदि ये सब चिंतन किया। चिंतन करके मैंने विषय वस्तु निर्धारित की और अपने आराध्य देव भगवान तीर्थंकर भगवंतों को नमन करते हुए मैंने अपनी लेखनी उठाई और वो आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदा सन 1986 के और हस्तनापुर तीर्थ भगवान शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ की जन्मभूमि ओम नमः सिद्धेभ्यः लिखकर मैंने प्रारंभ किया और उसमें जो 24 तीर्थंकरों की स्तुति करते हुए पहले और एक श्लोक में ही 24 तीर्थंकर को नमन किया आदि 24 काव्य बनाए संस्कृत ने पुनश्च उसकी भूमिका आदि बना करके मैंने कल्पद्रुम विधान रचना शुरू की। मुझे आज प्रसन्नता है कि वो कल्पद्रुम विधान रचना उसको तिलोय पन्नति के सामने रखा था भगवान तीर्थंकर भगवंत के समोसरण उनका वैभव आदि तिलोय पन्नति मुख्य थी सामने ग्रंथ और कुछ उसमें विषय वस्तु हरिवंश पुराण आदि के आधार से भी कुछ लिया है और वो हमारी एक अपने आप में मौलिक रचना कल्पद्रुम विधान मैं उसको लिख रही थी। मनोयोग से भगवंतों के सानिध्य में बैठकर कभी लिखती थी कभी त्यागी भवन में रत्नत्र निलय में बैठकर लिखती थी और सामने सुमेर पर्वत दिखता रहता था वहाँ हमारे हस्तनापुर में जो रत्नत्र निलय है जहाँ पर हम लोग कभी रहते हैं वहाँ से सामने दरवाजे से खिड़की से सुमेर पर्वत दिखता रहता है उसको देखते हुए और उसके दर्शन करते हुए लिखती रहती थी और वो शरद पूर्णिमा के पूर्ण हुआ। इतना मौलिक और इतना सुंदर विधान बना है इतना आश्चर्यकारी चमत्कारी विधान बना है कि वो कैसे लिख गया कैसे बन गया हमें स्वयं आनंद का तो अनुभव होता है या आश्चर्य भी होता है। एक बार एक महानुभाव अहमदाबाद के थे उन्होंने विधान संपन्न कराया था तो सहज प्रश्न कर दिया माता जी जब आप विधान बना रही थी तो कहाँ बैठ कर लिखती थी। तो मैंने कहा मैं भगवान के समोसरण में भावों से पहुँच जाती थी भावों से तो भगवान के समोसरण में बैठ कर लिखती थी समोसरण में बैठ कर लिखती थी और भले ही शरीर से मैं हस्तनापुर में जमुद्वीप स्थल पर रत्नत्र नीले वसतिका में बैठ करके और सुमेरु पर्वत का ध्यान करते हुए सामने देखते हुए लिखती थी। तो सचमुच में लिखते हुए तो मैं समोसरण में ही पहुँच जाती थी भावों से भगवान के समोसरण में पहुँच करके क्योंकि इतने भावों की निर्मलता विशुद्धि आए बगैर ऐसे शब्दों का चयन होना और इतनी सुंदर रचना अपने आप में अनूठी भव्य अलौकिक रचना का बन जाना सहज नहीं है। शरद पूर्णिमा के दिन मैंने उसको पूर्ण किया यानी 105 दिन में 3 महीना 15 दिन में मैंने उस विधान को पूर्ण किया और भगवान महावीर स्वामी के चरणों में ले जाकर समर्पित किया। तो भव्यात्माओं उस विधान का प्रथम आयोजन हस्तनापुर में संपन्न हुआ है अनंतर तो मैं समझती हूँ सैकड़ों हजारों विधान तब से लेकर आज तक सारे भारत में जगह जगह हो चुके हैं। ऐसा है विधान हमारे और आपके जीवन में कल्पद्रुम विधान सन 1986 के चातुर्मास की उपलब्धि अभूतपूर्व उपलब्धि सबके लिए मंगलकारी हो और ये कल्पद्रुम विधान और जम्मूद्वीप रचना और हस्तनापुर तीर्थ हमारे जीवन में मंगलकारी इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।